मोटरसाइकिल जोड़े जाओ आप क्या नाम है आपके? मेरा नाम जी इलियास मलिक है। हाँ जी, और आपका? इरशाद। तो आपका क्या रोल है यहाँ पे? आप क्या? ये पादरी हैं। जी प्रीस्ट हैं। जी इनके साथ खिदमत सर अंजाम दे। अच्छा ठीक है। खाना खाना? अच्छा आप खाना खाना बना। अच्छा फूड डिपार्टमेंट है आपके हाथ में, सबसे मेन डिपार्टमेंट तो फूड का डिपार्टमेंट है। हाँ जी कुछ भाई भाई ज़हीर, ये फाइनेंस। अस्सलाम वालेकुम। हाँ ये आशिर मैनेजमेंट के कामों को है। और ये नवीद है। हाँ ये हमारे जी आपकी ड्राइवर भाई हैं। अच्छा तो ये है आपकी पूरी टीम? कुछ लोग हिस्सा बीच में। चले ठीक है चले। और आपका नाम? मेरा नाम पास्टर सनी साइमन है और मैं बेसिकली स्वात का रहने वाला हूँ, लेकिन 12 साल हो गया हम रिसालपुर में यहाँ पे शिफ्ट हैं और अपनी कम्युनिटी के लिए स्टैंड ले रहे हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए लगे हुए हैं। कुछ ना कुछ जैसा खुदा ने हमारे दिल में डाला है या जैसा खुदा इस्तेमाल करना चाह रहा है, अब हमने अपने आप को अवेलेबल किया है। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ अपनी टीम के लिए जो मेरे साथ जो है वो खड़ी है, और हम अपने जो अनएजुकेटेड हमारे लोग हैं और इसके साथ साथ जो है जो पुअर्स बहुत ज़्यादा जो फाइनेंशियली वीक हैं, हम उन लोगों के साथ स्टैंड लेता कि उन लोगों को जो है इनक्रेज करें और वो जो अनएजुकेटेड है वो एजुकेट हों, और जिनके पास स्किल्स नहीं हैं, जिन बहनों बेटियों के पास उनको स्किल्स किया जाए। थैंक यू वेरी मच। सब नहीं है उनको करते हैं। अच्छा वीडियोस के लिए है? ये वीडियोस के लिए भी है, और जो खासकर जो पुअर फैमिलीज हैं और इसी के साथ साथ जो बीमार होते हैं, जो काफ़ी अर्से से बीमारी चल रही है, इलाज नहीं करवा सके, तो हम ऐसे लोगों के साथ खड़े होते हैं। अच्छा इसी के साथ साथ जो है हमारे एडल्ट एजुकेशन के कोर्सेज चलते हैं जिसमें हम ये एडल्ट एजुकेशन क्लासेस होती हैं आपकी, जो एडल्ट हैं उनको आप बेसिक लिटरेसी स्किल्स सिखाते हैं। ये है हमारा सेंटर है, ये है इनका सेंटर। ये इनका सेंटर है जहाँ पे गर्ल्स को और लेडीज को स्विंग सिलाई कढ़ाई सिखाई जाती है ताकि वो एक स्किल लर्न करें और अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकें। ये है इनकी एक और क्लास जी। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, इट्स गुड इवनिंग। यहाँ पर ये देखें, ये इतनी सिलाई मशीनें हैं जिन पे बच्चियाँ और लेडीज ये सिलाई सीखती हैं। और क्या नाम है आपका? शोरमिया। बड़ा अच्छा नाम है, वेरी डिफरेंट। और आप क्या सीख रही हो यहाँ पे? सिलाई का काम। और क्या सीखा अभी तक? और काटना भी? और अच्छा, और कितना अर्सा हुआ आपको यहाँ पे? 4 मंथ्स हो गए। और यहाँ पर आप जो यहाँ पर जो आप करती हो ये काम, ये जो सीख रही हो, तो ये आपको फ्री सिखाते हैं कि आपको फ्री सिखाते हैं यहाँ पे आप, या इसके पैसे देती हो सीखने के? फीस? अच्छा कितने? अच्छा यहाँ पे जो है ये 300 महीने की फीस देते हैं, जो कि 6 मंथ्स का कोर्स है। अच्छा, और जिसमें आपको हर तरह की स्टिचिंग सिखाते हैं? ये तो कुछ भी नहीं है, है ना? और इसके बाद आप स्टिचिंग सीखने के बाद क्या करोगी? ठीक है, तो फिर और भी लोगों की कपड़े सीओगी ताकि आपके पास भी कोई इनकम आए। ठीक है, ओके।
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यहाँ पर ये हेलो हेलो, क्या नाम है इसका? रोहा। वेरी नाइस। और आपका क्या नाम है बेटा? दानिया। चलो, आप कब से सीख रही हो ये? ये इनका स्टोर रूम है और ये सिंक है, वेरी हाइजीनिक, साफ सुथरा है। और अभी मैंने साफ सुथरे की बात की थी। एनीवे, छिपकली हैज नथिंग टू डू विद क्लीनिनेस। ये यहाँ पर जो है ये जो भी लोग इनको डोनेशन देते हैं वो यहाँ पर स्टोर करते हैं एंड फिर उसको एज रिक्वायर्ड उसको फिर ये यूज़ करते हैं। जब यहाँ पर आया तकरीबन आज से 12 साल पहले, तो खासकर हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा पुअर एंड अनएजुकेटेड और घर के हालात अच्छे नहीं है, हमारी बेटियां जो है उनके पास कोई एक्टिविटी नहीं है जिसमें वो अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो खुदा ने बड़े मेरे बेटियों के लिए खासकर स्टैंड ले, तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी, पिछले एक साल से हम लोग इस एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं जिसमें तकरीबन लास्ट बैच जो हमारा ग्रेजुएट हुआ वो 25 बेटियाँ थी, अभी हमारे पास 22-25 बेटियाँ हैं जो लास्ट मंथ इनका चल रहा है, जो अभी ग्रेजुएट होंगी और अपना घर में बैठ कर अपने घराने का जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी, सपोर्ट कर सकेंगी अपने, इंडिपेंडेंट हो जाएंगी और अपने घर का अच्छे से जो है वो बंदोबस्त कर सकेंगी। तो हमारी कोशिश यही है कि हम अपनी करें। अभी मैंने अंदर देखा कि इट्स नॉट जस्ट फॉर क्रिश्चियन कम्युनिटी, वो भी है क्रिश्चियन की है, लेकिन आप दूसरे लोग कम्युनिटी के लोगों को जो भी आ रहा है यहाँ पर सीखने के लिए उनको भी आप वेलकम करें, तो ये बहुत बड़ी बात है। एंड हैट्स ऑफ इट टू यू एंड टू योर एफर्ट्स। सलाब। हाँ जी, सलाब जलदान लोग हैं, उनके लिए हम यहाँ पे खाना बनाते हैं जी, और यहीं पे पार्सल बना के जी हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ले जाते हैं। अच्छा, ये है जी, ये है देख, जो अराउंड कितने किलो की है ये? कितना? 10 किलो? ये 12 चने के साथ, चने के साथ, ये चने के साथ है। ये 12 किलो की देख है जो अभी इन्होंने प्रिपेयर की है, जो बेसिकली जाएगी सैलाब से मुतासरा लोगों के लिए। और इस तरह की ये देख रोज़ाना की, रोज़ाना एक या दो देखे ये लोग दिन में बनाते। आपकी कितनी? है, मैं यहाँ से हटूँ किससे पहले कि मैं कोयलों के बहुत करीब हूँ। कभी कभी ये इनके 4 से 5 देगे जो है फूड की डिपेंड ऑन सिचुएशन के, हाँ जी तो ये उसके ऊपर फिर ये जाती हैं। दिन में एक दफ़ा आप लोग प्रोवाइड करते हैं फूड जी? ये दिन में एक टाइम ये लोग फूड प्रोवाइड करते हैं जी। और ये इस तरह के ये प्लास्टिक के बैग्स में पार्सल बना के ये उनको पे इजी, बिकॉज इस तरह इजी है डिस्ट्रीब्यूट करना ना। और बे ये सब कुछ है, ये लकड़ियों के ऊपर ट्रेडिशनल तरीके से वुड के, वुड बर्न करके ये पकाया जाता है कोयलों के ऊपर। किधर बैठे? कुर्सी में बैठे हुए भी चाहता है। हाँ भी एक चेयर ले लें, हाँ भी बैठ। ठीक है।
वीडियो बनाऊंगा भी जरा पैक करो। हम लोग जा रहे थे कहीं और ये जो नदी है सजेस्ट किया हमने ये इस तरह सलाब के जो है तकरीबन हमें 1 वीक हो चुका है। मैंने कहा चला बिल्कुल ऐसी बात जी ये हमारा ये सीजन का काम है ही नहीं। को पता है कि हमारा काम जो है हमने यहाँ पे तकरीबन हमने 10 families अडोप्ट की हुई है। अच्छा, इनको स्पॉन्सर करते हैं? हाँ जी, अभी उनको हमने अडोप्ट किया, जैसे कि मैंने कहा था हम लोग हेल्प करते हैं लोगों को, तो उनको हर महीने का राशन तकरीबन 7 से 8 हज़ार का राशन दिया है 10 families के नाम। हमारा काम वो है कि आप देना चाह रहे हैं तो आप इन भाई का नंबर ले एक बंदे की चले चने वाले चावल जो है हमने अब फूड की जो पैकिंग कर ली थी, फूड के सारे डब्बों की पैकिंग, और पीछे ये है खेत, सब खेत जो खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही हसीन लग रहे हैं ये सब खेत में, और ये किस चीज़ के खेत हैं ये मुझे पता नहीं है ये, लेकिन किसी चीज़ के खेत हैं। और इसके बाद अब हम जा रहे हैं फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सलाब सदा मुतासरीन के पास। बेसिक इंडिविजुअल एफर्ट, ये हम भी कर सकते हैं या आप भी कर सकते हैं, इतना इट्स नॉट अ बिग डील। ये देखिए उन्होंने भी अपने कोर्ट चार्ट के अंदर ईंटें लगा के लकड़ियाँ लेके खाना बना के उनको इमदाद सैलाब के लिए जो मुतासरा लोग हैं उनकी इमदाद के लिए फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हम और आप में भी दूर हैं, हम फूड प्रोवाइड नहीं कर सकते, पर लेकिन जो भी हम मदद कर सकते हैं हमें उनकी ज़रूर करनी चाहिए।